आपके चैनल को पहली बार बोल रहा हूं कि यहां पर मक्के को लेकर सबसे पहली फैक्ट्री यदि कोई बनाएगा तो मैं सांसद के बतौर यहां पर मैं खुद अपने पास से बनाने का लगाने का काम करूंगा। तो यहां पर वो हज़ारों युवाओं को सैकड़ों युवाओं को रोज़गार दे और जो प्रोडक्ट बने उसमें लिखा हुआ रहे, संतुष्टि से भी इस बात क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहे कि मेड इन खगड़िया। एक तरफ आप इंडिया गठबंधन एकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बंगाल में अलग चुनाव लड़ लेते हैं। बिल्कुल स्पष्ट चेहरा हमारे पास है कि हम जीत कर जाएंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद है खगड़िया के प्रत्याशी राजेश वर्मा जी और ये जो है 2020 से विधानसभा की चुनाव भी लड़े थे और इस बार जो है लोजपा की तरफ से इनको टिकट मिला है खगड़िया से लोकसभा लड़ने का, तो हम इनसे बात करेंगे। चिराग जी का एक मानना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे इन लोग क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप युवा हैं और युवाओं का दर्द आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो बिहार की युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं और खगड़िया के युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, बिहार नहीं, देश भर में 60% आबादी या उससे ज़्यादा की आबादी ऐसी है जो कि 30 साल से कम उम्र के हैं। तो ऐसी स्थिति में वो युवा आज क्या चाहता है? वो युवा ये चाहता है कि वो रोज़गार करे और रोज़गार कहाँ करे? रोज़गार अपने परिवार के साथ मिलकर करे ताकि वो रोज़गार भी कर पाए और अपने परिवार का ख्याल भी रख पाए। और खगड़िया लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहाँ पर मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है, जहाँ पर दूध, जहाँ मछली, जहाँ केला, यहाँ से लोग मक्का बाहर ले जाकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर पैकेजिंग करके उसी मक्के को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज़्यादा दाम तक में बेच रहे हैं। तो ये काम खगड़िया में क्यों नहीं संभव है? तो मुझे लगता है कि यदि एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोग यहाँ इस्टेब्लिश कर पाएंगे तो उद्योग, यदि कोई बाहर की कंपनी नहीं लगाती है तो आपके चैनल को पहली बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मक्के को लेकर सबसे पहली फैक्ट्री यदि कोई बनाएगा तो मैं सांसद के बतौर यहाँ पर मैं खुद अपने पास से बनाने का लगाने का काम करूँगा। इससे दोनों लाभ है, मैं आर्थिक रूप से भी मजबूत होऊंगा और यहाँ के युवाओं को रोज़गार भी दूंगा। सर, आप आर्थिक रूप से मजबूत, इसका क्या से मतलब? ये इसीलिए क्योंकि ये उद्योग के लिए सबसे बेहतर, मतलब मक्के के लिए ये सबसे बेहतर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मक्के से रिलेटेड आप फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और यदि आप पहले मेरा प्रयास पहले होगा कि कोई इंडस्ट्री जो फूड से रिलेटेड बिजनेस में हो वो यहाँ पर आके अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करके और यहाँ पर उसको रॉ मटेरियल पूरा उपलब्ध हो जाए और यहाँ पर वो हज़ारों युवाओं को, सैकड़ों युवाओं को रोज़गार दे और जो प्रोडक्ट बने उसमें लिखा हुआ रहे, संतुष्टि से भी इस बात क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहे कि मेड इन खगड़िया। सर, एक सवाल है कि आज जो है नरेंद्र मोदी शंखनाद कर चुके हैं बिहार में, तो लोजपा की तरफ से उनको कैसा सपोर्ट मिल रहा है और खगड़िया की तरफ से उनको कैसा सपोर्ट मिलने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल पूरे देश भर के लोगों का मन बन चुका है, पूरे देश भर के लोग बिल्कुल इंटैक्ट हैं, लोगों को पता है कि NDA के प्रत्याशी जीत कर जाएंगे तो उनके विज़न क्या हैं, उनके नेता का चेहरा कौन है और वो आगे क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या पूरा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर आप खुद बताइए कि यदि महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे तो देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे? राहुल गांधी हो सकते हैं, हो तो सकते फाइनल हैं। यही बात है कि वहाँ सस्पेंस है, वहाँ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, वहाँ विज़न क्लियर नहीं है। तो जब आप बोल रहे हैं कि हो सकते हैं तो उसी तरीके से दुनिया भी जान रही है कि भैया क्या होगा ये मालूम नहीं, तो हो सकते वाले यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। और दूसरी तरफ NDA में बिल्कुल स्पष्ट चेहरा हमारे पास है कि हम जीत कर जाएंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी होंगे, यह स्पष्ट है। तो अब आप जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट है वहाँ आप जाना चाहेंगे कि जहाँ पर आपको 50-50 लग रहा है वहाँ जाना चाहेंगे? तो बट ऑब्वियस है कि लोगों के पास इसी तरह विज़न की बात अगर आप कर लें, पर इससे देश की जो जनता है उनको क्या, उनके लिए क्या किया जाएगा? अरे, देश की जनता को ये पता तो होना चाहिए कि मेरा जो देश चलाने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति, कल के डेट में यदि आपको पता चलेगा कि आपके देश चलाने वाले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया गया जिससे एक शहर नहीं चलने वाला हो, मतलब आपका ये सीधा राहुल गांधी पे वार? अरे भैया, वो तो बहुत बड़े नेता हैं, हम क्यों उन पर वार करेंगे? हम कह रहे हैं कि ज़रूरी थोड़ी है कि राहुल गांधी जी को ही वो दायित्व दें, ममता बनर्जी जी भी ताल ठोक रही हैं, ताल अखिलेश यादव जी भी ठोक रहे हैं, ताल तो अरविंद केजरीवाल जी भी ठोक रहे हैं, आप किसको बनाएंगे चेहरा?
हमारा कहना है जब इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है ही नहीं, अगर इंटैक्ट है क्या आपके हिसाब से, है क्या इंटैक्ट? नहीं है तो फिर बात स्पष्ट हो गई। जब आप में यूनिटी नहीं है, एक तरफ आप इंडिया गठबंधन एकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बंगाल में अलग चुनाव लड़ लेते हैं, आप पंजाब में अलग चुनाव लड़ लेते हैं, तो जब आपके अंदर आपस में ही समन्वय नहीं है, आपको ये मालूम ही नहीं है जीतने के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, जब आपको मालूम ही नहीं कि हमारे पास विजन्स क्या हैं, तो सब एक दूसरे से पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में देश अस्पष्टता को जानना चाहता है। ये पूरे देश के मुखिया को चुनने का बात है, ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, यहाँ पर बहुत स्पष्टता चाहिए आपके विजन और आपके सोच में। अच्छा सर, विपक्ष का ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है, एनडीए जो है, वो झूठा वादा करती है और सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स करती है, इस पे सर आप तो युवा है और आपका क्या मानना है? लोग नहीं कहते हैं, विपक्ष कहता है, लोग को तो मालूम है, लोग बिल्कुल बहुत संतुष्ट हैं, लोगों को दिख रहा है कि असंभव था 370 हटाना, दम से हटाया, लोगों को पता था कि भैया जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन पूरे देश भर में जो है हिंदू मुस्लिमों के दंगा हो जाएगा, कहीं चूसे मुंह नहीं हुआ, तो लोगों को पता है कि यहाँ जो बोलते हैं उनके उसके पीछे उनका मकसद ये नहीं होता है कि हमको कहीं भी जो है हिंदू मुस्लिम करा के दंगा कराना है, उनका विज़न बिल्कुल स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उन लोगों ने दम के साथ पूरे मंदिर का निर्माण कराया और सब अपने अपने जगह खुश है, हिंदू अपने जगह खुश है, मुस्लिम अपने जगह खुश है, किसी की भावना को ठेस पहुँचाने से मकसद नहीं है, लेकिन उसको आप एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में 50 साल 100 साल तक आप बना के रखे कि भैया ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, जब आपको लगा कि भैया इसका वोट लेना तो आप इसका ले लिए, यहाँ कम से कम एकदम स्टैंड क्लियर था कि यहाँ अगर मंदिर बनना है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो मंदिर बन के तैयार है, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा है? ये तो विपक्ष का आरोप है, आम लोगों का आरोप नहीं है।